जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। साथियों, मैं राघव शरद देवस्थले एसएम विलेज एंटरप्राइज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिमी मैकलिगन सर के स्मरण में जो ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर सप्ताह मनाया जाता है हर वर्ष, जनक दीदी के प्रयास है, और जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात किया जाता है, मैं जनक दीदी को पहली बात तो आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इसमें मैं एक छोटा सा भाष्य अपना दे सकूँ। मैं महेश्वर के निकट गाय आधारित खेती करता हूँ और सौर ऊर्जा का प्रयोग करके मैं तरह तरह के उत्पाद और किस तरह सौर ऊर्जा का प्रयोग करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो हमारा सोलर पैनल आप देख सकते हैं, ये सबसे प्रथम उपयोग है हमारा सौर ऊर्जा का हमारे खेत में। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सब्सिडी में हमको सोलर पंप दिया गया है। और आपको मैं पंप दिखाता हूँ, ये जो आप पंप देख रहे हैं इसका पावर इन सोलर पैनल से जनरेट होता है, और ये छोटा सा स्टॉप डैम है नदी के ऊपर जिसका पानी हम लोग लेके और ये पानी अपने खेत में हम लोग देते हैं। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि दिन दिन में हम पानी दे के फ्री हो जाते हैं, रात को हमको जगना नहीं पड़ता खेत में पानी चलाने के लिए। सौर ऊर्जा का सबसे प्रथम, सॉरी द्वितीय, प्रथम उपयोग तो अवश्य हमारे पौधों के लिए, खेती के लिए किया जाता है। तो ये आपको मैं अपना खेत दिखाता हूँ, छोटा सा मेरा 1 एकड़ का खेत है ऐसा। वहाँ पीछे आप देख सकते हैं ध्वजा है, बजरंग बली का मंदिर है, नवरात्रि है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, माँ कुष्मांडा की कृपा बनी रहे। और खेती में किस तरह से हम लोग कृषि में नवाचार कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटे से खेत में से एसएम विलेज एंटरप्राइज किस तरह से उसकी खेती को लाभदायक बना रही है। मैं आपको सबसे हमारी जो प्रथम फसल है जिसका हम लोग उगाने से लेकर संवर्धन से लेकर सब कुछ खेत में करते हैं, आप देख सकते हैं ये लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास पूरे खेत में यहाँ वहाँ तक लगी हुई है, जो कट चुकी है दोबारा कटेगी, बीच बीच में चारा है, चारा को हम बाद में काटेंगे। तो इस लेमन ग्रास को साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये मूंग लगी हुई है, ये मूंग के छोटे छोटे से पौधे हैं जो कि 1-1.5 महीने में हमको मूंग भी मिल जाएगा, मूंग आधारित एक प्रोडक्ट एसएम विलेज एंटरप्राइज लेके आएगा। इसी तरह से हम लोग जो है तुलसी जी की खेती करते हैं। मैं आपको तुलसी का एक पौधा दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये तुलसी जी का पौधा है, कितने अच्छे तरीके से खिले हुए हैं ये पौधे। इसके साथ ही इसी छोटे से खेत में से हम लोग, ये आप देख सकते हैं ये पुदीना लगा हुआ है, थोड़ा बहुत पुदीना भी उगाते हैं। तो तुलसी हो गई, लेमन ग्रास हो गया, पुदीना हो गया, इनको हम लोग फिर आगे क्या करते हैं, आगे जो इनकी प्रोसेसिंग होती है, जब हम इनको सुखाते हैं सोलर ड्रायर के उपयोग करके, सोलर ड्रायर से जब हम सुखाते हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदे प्राप्त होते हैं, मैं पहले आपको सोलर ड्रायर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा सोलर ड्रायर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि प्याज का पेस्ट सूख रहा है। गांव में ही एक व्यक्ति ने प्याज उगाया था, उससे हमने प्याज खरीदा, उचित मूल्य पर खरीदा, उसको हम सुखा रहे हैं, इससे एंड प्रोडक्ट बनेगा, बहुत शीघ्र ही आपका परिचय उससे कराएंगे। सोलर ड्रायर से क्या फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चिड़िया ने बीट करी हुई है, खेत के ऊपर से उड़ते हुए गई होगी, चिड़िया ने बीट करी होगी। यदि मैं खुली धूप में छत में सुखा रहा होता तो ये बीट सीधी जाके मेरे प्रोडक्ट के ऊपर गिरती है और मुझे उसको या तो फेंकना पड़ता, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की हाइजीन और न्यूट्रिशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पहला फ़ायदा ये हाइजीनिकली सूखता है। दूसरा फ़ायदा ये कि ये जो काम मैं खुली धूप में करता तो 3 से 4 दिन लगते, यहाँ मैं 1.5-2 दिन के अंदर इस चीज़ को सुखा के और फ्री हो जाऊँगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे न्यूट्रिशन, कलर और एसेंस, मैं आपको अभी अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, न्यूट्रिशन, कलर और एसेंस बहुत अच्छे तरीके से रिटेन करके मिलते हैं, ये हमारे लैब टेस्ट ने सिद्ध किया है हमको। तो ये सौर ऊर्जा का तीसरा प्रयोग हमारे खेत में हम करते हैं। हमारी फसल जो भी है, हमसे मेरे कहने का मतलब है एसएम विलेज एंटरप्राइज की जो टीम है, जो भाई काम करते हैं, जो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, ये हम हैं, हमारा परिवार है एसएम विलेज एंटरप्राइज का महेश्वर में। तो लैब टेस्ट ने सिद्ध किया है कि हम बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है प्राप्त कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट में, और कितने तरह तरह के नाना प्रकार के प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं ये आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक श्लोक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिरण्मये न पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।
जिसका एक बहुत छोटा सा भावार्थ यह है कि सूर्य देव से ये प्रार्थना है कि आप अंधकार के ऊपर अपना प्रकाश डालें और स्वर्ण रूपी जो ज्ञान है उससे मुझे अवगत कराएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोलर ड्रायर में हम क्या क्या सुखाते हैं। लेमन ग्रास, पुदीना, अदरक, हल्दी, मिर्ची, पालक, मेथी, अंबाड़ी के फूल, धनिया मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ गोबर की धूप बत्ती, ये भी हम सोलर ड्रायर में सुखाते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट एसएम विलेज इंटरप्राइज बनाता है, आइए मैं आपको अपने प्रोडक्ट से अवगत कराता हूँ। ड्रायर में हम लोग इन सब चीज़ों को सुखा के फिर उससे एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। वो क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स हैं और कुछ तो बहुत अच्छे सिद्ध हुए हैं लोगों के लिए। सबसे पहला हमें प्रोडक्ट जो हमारा 1 एकर वंडर जिसको हम कहते हैं बोधी पे, ये एक हर्बल मिक्स है जिसमें तुलसी, लेमन ग्रास, अदरक और एक और चीज़ डलती है। तुलसी लेमन ग्रास हमारे खेत से ही हम खेती करते हैं, अदरक हमारे जैसे एक भैया हैं जो हमको जैविक अदरक हर साल देते हैं जिनसे हम खरीदते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को ड्रायर में प्रोसेस करके सुखा के चूर्ण बना के और ये एक उत्पाद आप तक हम पहुँचाते हैं। ये सबसे पहले मैंने ये प्रोडक्ट इसलिए दिखाया क्योंकि कोरोना काल में ये बहुत उत्तम सिद्ध हो रहा है, लोगों को सहायक सिद्ध हो रहा है रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने में। साथ ही छोटा मोटा जो बुखार उतरता है इसका काढ़ा बना के पीने से वो बुखार भी उतर जाता है। कई लोगों ने हमको ये भी कहा है कि इसका उपयोग करने से उनको उनका एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो जाता है, वो बहुत अच्छा फील करते हैं इस बोधी पेय चाय का उपयोग। इसको दूध में डाल के पीजिए, काली चाय में पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, किसी भी तरह से उपयोग करिए, ये आपको फ़ायदा देगी। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ये लाल अंबाड़ी, इसका कलर आपको शायद दिखाई देगा, ये देखिए। इसको भी गाय आधारित खेती से हमने खेत में उगाया और ये लाल अंबाड़ी के फूल शरबत, जैम और जेली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाल के लाल हैं, देखिए आप कितने अच्छे तरीके से कलर रिटेन हुआ है। इसकी रेसिपीज़ आपको हमारे YouTube चैनल किसान किचन पे मिल जाएगी कि अंबाड़ी को किस तरह से शरबत बनाया जाता है। ये प्रोडक्ट दूसरा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये विटामिन सी में प्रचुर है और विटामिन सी आज की तारीख में हर किसी के मुँह जबान पर चढ़ा हुआ है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में और कोरोना से लड़ने में कितना सहायक सिद्ध हो रहा है। तो ये विटामिन सी प्रचुर लाल अंबाड़ी में पाया जाता है। साथ ही इसकी न्यूट्रिशनल टेस्ट हमको बताती है कि ये हाई एनर्जी लो कैलोरी प्रोडक्ट है जो कि लोगों को जीरो फैट प्रोडक्ट है, अच्छा विटामिन सी प्रचुर है। तीसरा ऐसा ही एक प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये, आप देख सकते हैं झिंगाट मल्टीपर्पज़ मसाला। ये झिंगाट जो है ये एक तरह से चाट मसाला जीरा वन जैसा है किंतु इसमें किसी भी तरह का साइट्रिक एसिड या बाजार का कोई भी प्रोडक्ट नहीं डाला है। इसमें धनिया, पुदीना, अदरक, मिर्ची, इन सब चीज़ों का चूर्ण है, काला नमक है, सेंधा नमक है और ये भी ज़ीरो फैट है, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई एनर्जी कंटेंट है। इसको आप सलाद पे, चिप्स में, छाछ में, जलजीरा में, पापड़ पे, फ्रूट सलाड पे, किसी भी चीज़ पे थोड़ा छिटक के और अच्छे स्वाद, उत्तम स्वाद। ऐसा नहीं है, एक ये गलत फहमी भी होती है कि नेचुरल प्रोडक्ट है तो कड़वा होगा या ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इसका स्टॉक हमारे पास बहुत सीमित रहता है, बहुत फटाफट ख़त्म होता है। लोगों की एसिडिटी रेगुलेट करने में भी इस प्रोडक्ट ने मदद की है, कारण साइट्रिक एसिड नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडेड कलर नहीं है और बहुत उत्तम स्वाद इस प्रोडक्ट का है, ये झिंगाट मल्टीपर्पज़ मसाला। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये लेमन ग्रास के टुकड़े हम सुखाते हैं और कलर आप देखिए कितना प्यारा है, और इसको जैसे ही आप गर्म पानी में डालेंगे खिल उठेगी और सबसे बढ़िया स्वाद आपकी चाय में आपको ये देगी, ये भी हमारे खेत का प्रोडक्ट है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो अभी फॉर्मली लॉन्च होने वाला है, आप देख सकते हैं रसराज गोल्डन, ये भी अंबाड़ी और लेमन ग्रास आधारित एक जूस मिक्स है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बताता है कि ये हाई एनर्जी, ज़ीरो फैट, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल एंड हाई विटामिन सी प्रोडक्ट है। सोलर ड्रायर में तरह तरह की चीज़ों को सुखा के हम लोग ये मिक्स बनाते हैं। इसको शक्कर की चाशनी में उबालिए, आप पीजिए, सबको मेहमान आते हैं उनको दीजिए, खुद भी पीजिए और अच्छे स्वाद का, शुद्ध स्वाद का आनंद लीजिए। आप देखिए कितना प्यारा, आपको मैं पास से दिखाऊं, गोल्डन कलर का शरबत बनता है और इसमें कोई एडेड कलर, कोई एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये सब सोलर ड्रायर के कारण संभव हो पा रहा है। इसी तरह से आप देखिए हम मेथी सुखाते हैं, ये भी गाय आधारित खेती से उत्पन्न होती है। ये हल्दी एक हमको व्यक्ति सुखा के देते हैं, उगा के देते हैं जिसको हम हमारे खेत पे प्रोसेस करते हैं गाय आधारित खेती से। करक्यूमिन लेवल बाज़ार की हल्दी से कम 2.5 से 3 गुना ज़्यादा हमको करक्यूमिन लेवल प्राप्त होता है, ये भी खेत पे प्रोसेस होता है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो गर्मी में काफ़ी लोगों को सहायक सिद्ध हो रहा है, आप देख सकते हैं ये ग्राम्य सुरभि धूप। ग्राम्य सुरभि धूप गोबर, देसी गौ माता के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती है, हस्त निर्मित है, 100% नेचुरल है और ग्रामीण उत्पाद है।
हमारे गांव में कुछ बहनें हैं जो हमको ये बना के देती हैं, जिसकी मार्केटिंग हम करते हैं। मैं परिचय कराता हूँ, आप देख सकते हैं ये धूप बत्ती है गोबर से बनी हुई, और ये गोबर, नीम का चूर्ण और कुछ प्राकृतिक तेलों से, 100% नेचुरल ऑयल से ये धूप बत्ती हम बनाते हैं। इसको नोक पे से आप जलाएं, 10-12 सेकेंड लो को फैलने दें, और उसके बाद बुझा के दिए में या किसी अन्य पात्र में रख दें। मिट्टी का दिया हम लोग उपलब्ध कराते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। और ये आपके घर में सकारात्मकता का प्रसार करेगी, साथ ही साथ आपके घर से मच्छर मक्खी को दूर करेगी। ऐसे ही ये छोटी ग्राम्य सुरभि की एक बड़ी बहन है, ये बड़ी ग्राम्य सुरभि। कई लोगों का हमसे ये निवेदन आया था कि हम गार्डन में बैठते हैं, हॉल में बैठते हैं, छत पे बैठते हैं कभी कभी शाम को, तो मच्छर बहुत परेशान करते हैं और आपकी धूप बत्ती छोटी वाली 15-20 मिनट में जल के ख़त्म हो जाती है। तो ये जो आपने बड़ी वाली धूप बत्ती देखी, ये हमने बनाई है, ये करीब 1.5 घंटे के आसपास जलती है और आपके घर से मच्छर मक्खी आसपास से भगा देती है। इसको जलाने के लिए इस तरह का हम मिट्टी का एक स्टैंड और साथ में मिट्टी का एक कवर भी उपलब्ध कराते हैं, दोनों धूप बत्ती के साथ। ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। धूप बत्ती को आप देखिए, इस तरह से इसमें जला के रख दीजिए और बाद में ऊपर से ये कवर रख दीजिए, तो इन छेदों में से जो है धीमे धीमे धुआं निकलेगा, 1-1.5 घंटा धूप बत्ती जलेगी और आपके घर से मच्छर मक्खी को दूर भगाएगी। ये बाद में इसकी राख को आप पौधों में डाल सकते हैं, फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है, या बर्तन धोने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर आत्मनिर्भर भारत। सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि हमको सुखाने के लिए हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ड्रायर का प्रयोग करते हैं जिससे हाइजीन मिलता है, इरिगेशन के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस छोटे से प्रकल्प को हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता किसी एनर्जी, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा प्रोसेसिंग के लिए है नहीं। हाँ, पीसने के लिए करते हैं, लेकिन उसको भी बहुत धीमे धीमे हम लोग सोलर पे ले आने वाले। तो सस्टेनेबल लिविंग फॉर आत्मनिर्भर भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चालू किया गया अभियान था, उसमें छोटा सा योगदान SM विलेज एंटरप्राइज इस तरह से दे रहा है। और जिमी मैकलिगन सर के स्मरण में जो सप्ताह मनाया जा रहा है, आभार व्यक्त करता हूँ जनक दीदी का, इस योग्य समझा कि इसमें मैं अपनी बात रख सकूँ। 6 वर्ष पहले इसी सप्ताह में मैं कार्यकर्ता के रूप में गया था और आज यहाँ पे एक टॉक दे रहा हूँ। एक जर्नी थी 6 साल की, क्या क्या किया वो आपको मैंने अभी बताया। इस तरह के छोटे छोटे हस्तनिर्मित शुद्ध प्रिजर्वेटिव फ्री उत्पाद लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं, और जो 1 एकड़ में हमारे क्षेत्र मालवा निमाड़ में सर्वे किया, तो उससे 5 से 6 गुना की इनकम हम लोग बना पा रहे हैं। 100% सस्टेनेबल फार्मिंग, 100% आत्मनिर्भर भारत। और मैं अपने माता पिता का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनसे ये प्रेरणा मिलती है कि काम को काम समझो, छोटा या बड़ा मत समझो, प्रोफेसर सेलेस्टिनो जो पोर्टुगल में हैं, जनक दीदी, भारती दीदी, साथ ही साथ मैं, माँ नर्मदा और प्रभु हनुमान, प्रभु श्री राम, ये सारे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे ये कार्य करने का मुझे इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली, और इस तरह से छोटा सा एक प्रकल्प चला रहे हैं। SM विलेज एंटरप्राइज का एक नारा है, किसान किचन में भी आप जो वीडियो देखेंगे उसी से बात शुरू करते हैं, उसी से बात ख़त्म करते हैं, और मैं ख़त्म करूँगा, वो इस तरह से है, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, नर्मदे हर साथी।